अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो आज मैं जा रही हूँ सेंट्रल लाइब्रेरी, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट से मुझे आज क्लियरेंस फॉर्म अपना मिला था, जिसे मुझे क्लियर कराना था और जाके ताकि मुझे एडमिट कार्ड मिल सके। सो मैं एडमिट कार्ड को लेने के लिए यहाँ पर क्लियरेंस कराने आई हूँ, और ये है गेट नंबर 7 के अंदर का जो जामिया है उसका व्यू। और आप यहाँ देखें कितना ज़्यादा गंदगी है, और यहाँ क्लीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसे क्लीन कराएं। और देखिए आप, इन्वायरमेंट जामिया का बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर आप 7 नंबर गेट से जाते हैं तो आपको लगेगा रियल में आप कॉलेज यहाँ पर आए हो। बिकॉज़ और जो एरिया है, जैसे कि आप TTI की तरफ जाते हो, कॉलेज लगता नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखिए जाकिर हुसैन लाइब्रेरी है, जो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पर जब भी आती थी, और ये सारे जो डिपार्टमेंट यहाँ पे, साइंस के डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, और ये स्टूडेंट इसमें बीच में आ गए थे, कोई नहीं। फिर मैं यहाँ पर जब मैं गई तो देखिए कितना व्यू, इतना अच्छा प्यारा लगता है, आपको देख के इतना प्यारा लगा अपने सेंट्रल लाइब्रेरी। मैं जब भी यहाँ पर आती थी तो इनको कैमरा में नहीं लेना चाहती, क्योंकि बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं पहुँच गई डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, और आप इसका व्यू देखिए कितना ज़्यादा अमेजिंग। जामिया की लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा, सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ पर सारे स्टूडेंट आ सकते। तो मैं यहाँ से एंट्री करती हूँ, और मेरी नज़र इस झूमर पे जाता है, और ये पूरा देखिए पूरा एंट्री है, वहाँ पर कलमा लिखा हुआ है हमारे, यहाँ पर सारे पिक्चर्स लगे हुए थे, मैं नहीं लाना चाहती थी, बट बाय मिस्टेक हो गया है। सो इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने पूछ लिया था इनसे। और यहाँ पर देखिए आप, इतना ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। मेरे इस झूमर को जूम करके देखती, क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, अमेजिंग, बहुत ही प्यारा था। फिर यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स थे, तो मैं यहाँ पर आपके लिए भी क्लिक कर ली। सो देखिए ये बहुत सारे अवार्ड्स हैं, और मैंने कुछ को जूम करके भी लिया है और कुछ को ऐसे भी लिया, क्योंकि सबको लेना और सबको कवर करना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। सो मुझसे जो पॉसिबल हो मैंने लिया, कि ताकि आप मेरे वीडियो के थ्रू जामिया की सारी चीज़ों को देख सकें। और ये सारी चीज़ें हैं, फिर ये बाहर का इन्वायरमेंट है, बच्चे सुकून से पढ़ते हैं इस लाइब्रेरी में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। फिर यहाँ पर मैंने अपना क्लियरेंस कराया, अंकल का भी मैंने वीडियो बना लिया उनसे पूछ कर। यहाँ पर मैं अपना बैग सबमिट की, इससे पहले मैं जब भी यहाँ पर आती थी लाइब्रेरी में तो सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर गेट से एंट्री करके सीधा रीडिंग हॉल की तरफ, मैं इधर आ ही नहीं थी। सोचो, मतलब मैंने यहाँ पे 9, 10, 11, 12 सब कुछ किया, फिर यहाँ से मैंने कॉलेज है, फिर तब भी लाइब्रेरी में नहीं आई। लाइब्रेरी आई हूँ, लेकिन जब भी आई हूँ हमेशा रीडिंग हॉल से चली गई हूँ वापस, कभी अंदर की तरफ एंट्री नहीं किया। तो सो मैं पहली बार गई, और जब मैं पहली बार गई तो मैं क्यों सोची कि क्यों ना आप सब के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। तो सो मैं यहाँ पर जाती हूँ, सिर्फ बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर मैं हूँ, और इतने ज़्यादा यहाँ पर शांति था कि अगर आप एक पेन भी नीचे गिरता है, आपका एक पिन भी गिरता है, तो उसकी भी आवाज़ आपको यहाँ पर आएगी। सो बहुत ही ज़्यादा क्लीन पू, और एयर कंडीशनर, और ये अंदर पूरा पूरा बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था। और फिर मैं यहाँ से एंट्री करती हूँ, और ये मैम से बात करती हूँ, और इन्हें भी अच्छा लगता है मुझसे बात करके। और मैंने परमिशन लेकर पूरे लाइब्रेरी का वीडियो बनाया, ये सर ने भी मुझे परमिशन दे के बना सकते, क्योंकि ये जो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो थे वो रिसर्च जो स्कॉलर्स थे वो सारे अपना अलग स्टडी कर रहे थे, तो इन्हें देख कर एक ऐसा फीलिंग हुआ कि यार यहाँ पर हमें आना चाहिए था पहले, और यहाँ पर आकर पढ़ाई करना चाहिए था। अगर आप एस्पिरेंट UPSC BPSC एवरी जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो यहाँ पर अगर आप जामिया के स्टूडेंट के, सिर्फ जामिया के स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज़ है, तो आप ज़रूर यहाँ पर विजिट करें। हर तरह के बुक्स आपको मिल जाएंगे, मैगजीन, कॉम्पिटेटिव बुक्स भी यहाँ पर है, और उर्दू, फारसी, हर तरीके को, मतलब इंग्लिश, साइंस, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, हर चीज़ की आपके यहाँ पर बुक अवेलेबल है। आप आएँ, और ये देखिए मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाया, कि बच्चों को कभी भी अपनी जामिया लाइब्रेरी का वीडियो देखे नहीं देखे मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे लोग इस चाहत में रहते हैं कि कभी जामिया की लाइब्रेरी में जाएं पढ़ें, बट वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाते। तो मैंने सोचा कि ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, एटलीस्ट वीडियो के थ्रू ही जामिया की लाइब्रेरी देखो। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की नमाज़ के लिए यहाँ पर जानेमाज़ था, और यहाँ पर ये स्पेस था कि आप स्पेशली बिल्कुल नमाज़ पढ़ सकते पूरे सुकून के साथ। और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था मुझे, मेरा मन नहीं करता यहाँ से जाने के लिए, तो मैंने कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठकर पढ़ाई भी किया है, और कुछ बुक्स मैगज़ीन पढ़ी। मैं यहाँ पर मैगज़ीन ली थी, यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स की मैगज़ीन थी, मुझे अच्छा लगा, मैं सारी चीज़ें अच्छी लगी, ये थोड़ा मुझे कोर्स अच्छा लगा तो मैं इसमें रिकॉर्ड कर ली। फिर मैं यहाँ से निकल कर सोची लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पे जाऊँ, बट यहाँ पर ये था कि लिफ्ट बंद था। फिर मैंने सोचा कि आप चलो थोड़ा गर्ल्स वॉशरूम भी दिखा दो, क्योंकि मैं तो बॉयज़ में एंट्री कर नहीं सकती हूँ।
तो मैं यहाँ पर गर्ल्स वॉशरूम में एंट्री करती हूँ और इस तरीके से मैंने देखा कि अच्छा जामिया का जो वॉशरूम है ये भी साफ़ है, क्योंकि ज़्यादातर आप डिपार्टमेंट देखोगे TTI डिपार्टमेंट या और भी इसी 7 नंबर गेट के दूसरे जो साइंस ब्लॉक है सारा, बिल्कुल भी वॉशरूम अच्छा नहीं हुआ है जामिया का, बिल्कुल क्लीन नहीं है। बट यहाँ पर मुझे हैंड वॉश भी दिखा, क्लीन दिखा, मिरर भी था, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ जो चीज़ एक होना चाहिए आपके कॉलेज में वो यहाँ पर है। फिर मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ और इस पहले तो मैंने सोचा लिफ्ट से जाऊँ, बट यहाँ पे लिफ्ट जो था वो बंद था, ख़राब था, एनीवन मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे गई क्योंकि मैंने सोचा था आज पूरे फ्लोर का लाइब्रेरी का रिकॉर्ड करके आऊँगी बच्चों के लिए। सो मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे लाइब्रेरी में गई, मैं स्टेयर्स चल कर ही गई क्योंकि वहाँ पर लिफ्ट बंद था। और यहाँ देखिए बच्चे कितने शांति से पढ़ाई कर रहे थे, आप इमेजिन नहीं कर सकते मुझे कितना अच्छा लगा यहाँ पे आकर। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर सेंट्रल लाइब्रेरी आएँ और यहाँ इधर की तरफ एडिटिंग हॉल के अलावा इधर की तरफ आएँ। और ये अंकल मुझे देख कर हंस रहे थे कि चलो रिकॉर्डिंग कर रही हो कर लो। फिर मैं यहाँ पर देखती तो बहुत सारे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के फ़ोटोज़ लगे हुए थे, मुझे अच्छा लगा। सो मैंने इनको बहुत ज़्यादा जूम करके कुछ कुछ फ़ोटोज़ को दिखाने की कोशिश की है आपको, मतलब हमारे जो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जिसकी लाइब्रेरी के जिसके नाम से ये लाइब्रेरी है इनका ये फ़ोटोज़ वगैरह मुझे देखकर अच्छा लगे कि हाँ चलो जामिया ने इन सारी चीज़ों को कितने अच्छे से, मतलब अभी तक जिसको कहते हैं ना कि हिस्टोरिकल चीज़ों का परखना अच्छी चीज़ों से ताकि बच्चे देखें सीखें इन चीज़ों से, तो मुझे अच्छा लगा देखें क्योंकि हर जगह ये चीज़ अवेलेबल नहीं होता है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना हर कॉर्नर पर जहाँ जहाँ इनकी लाइब्रेरी में पोस्ट फ़ोटोज़ वगैरह हैं तो मैं इनको देखूँ। सबको जूम करके नहीं दे सकती थी, फिर मैंने चारों तरफ देखा, सबका फ़ोटो लिया ताकि आप देख सकें। बहुत अच्छा लगा, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आज तक का जो कलरफुल सब हाँ जहाँ देखो कलर्स कलर्स फ़ोटोज़ होते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग अच्छा लगा मुझे जामिया का कि हाँ इन्होंने मेंटेन कर रखा है पूरा बहुत अच्छे से। ज़ाकिर हुसैन के नाम से लाइब्रेरी है तो इनके पिक्चर्स वगैरह सब मुझे यहाँ पर देखने को मिला। मुझे भी यहाँ के जितने भी स्टाफ्स देख के सोचते होंगे कि मैं क्या ही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ ऐसे देखिए रिसर्च रूम है, बच्चे आराम से अपना जो भी थीसिस वगैरह जो रिसर्च होता है वो अपनी चीज़ें PhD स्कॉलर्स हैं वो सारे आराम से अपने बहुत बिना डिस्टर्बेंस के मैनुस्क्रिप्ट से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन था जामिया की लाइब्रेरी में। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, अगर आप हैं तो प्लीज़ विज़िट करें। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ ना ऊपर से भी इसका व्यू देखा जाए कैसा लग रहा है जामिया, तो मैंने इस तरीके से रिकॉर्ड किया है। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देखकर ये सारी चीज़ें, खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं यहाँ से देखिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो सेक्शन है उसको भी मैंने कवर किया और ये अंकल जो हैं मुझे देखकर हंस रहे थे कि कर लो रिकॉर्डिंग कर लो। फिर मैं गई यहाँ पर सेकेंड फ्लोर पर मैंने स्टेयर से किया क्योंकि मैंने बता रखा है कि लाइब्रेरी का जो लिफ्ट है वो ख़राब था, बंद था, आई डोंट नो। फिर सेम जैसे आपको फर्स्ट फ्लोर पे दिखा सेम सेकेंड फ्लोर पर है, यहीं पे वॉशरूम भी है, बॉयज़ एंड गर्ल्स वॉशरूम है और इस तरीके से सारी चीज़ें बहुत नीट एंड क्लीन है। और मैं यहाँ से एंट्री करती हूँ तो यहाँ पे जो सबसे पहले नेचुरल साइंस, टेक्नोलॉजी, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड सारी यहाँ पर थी, तो बच्चे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते मुझे कि मैंने कैमरा पे रिकॉर्ड नहीं किया उनसे कहा। फिर मैं यहाँ पर देखिए बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं करना सोचा क्योंकि यार लाइब्रेरी हम आते ही पढ़ने के लिए, तो मेरा तो बस ये था कि चलो वीडियो बना लूँ, इसलिए मैंने आप सबके लिए वीडियो बना लिया। सो मैं यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर देखिए मैंने हर सेक्शन के हिसाब से देखा कि बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने उनके डिस्टर्ब नहीं किया और इस तरीके से मैंने बुक्स के फ़ोटोज़ लिए कि आपको हज़ारों बहुत ज़्यादा बुक्स हैं बहुत ज़्यादा और हर स्ट्रीम के बुक्स से ईज़िली आप आएँ और विज़िट करें और देखें लाइब्रेरी पढ़ें आकर। और फिर इस तरीके से मैं बाहर निकलती हूँ ताकि मैं थर्ड फ्लोर पर जा सकूँ। और फिर मैं यहाँ से थर्ड फ्लोर की तरफ जाती हूँ और इधर ये दूसरा सेक्शन जैसे मैं यहाँ पर फाइन आर्ट्स वगैरह से ये हॉल फर्स्ट है, यहाँ पे नॉर्मल रीडिंग करते हैं, यहाँ पर कोई भी AC वगैरह नहीं है, नॉर्मल फैंस लगे हुए हैं, तो इस तरीके से मैंने बाहर से फ़ोटोज़ ले लिए ताकि आपको एक जूम करके दिखा सकूँ यहाँ बच्चे हैं सीरियस पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। फिर मैं यहाँ से ऊपर सेकंड फ्लोर के लिए चली गई ताकि आपको सेकंड फ्लोर को भी विज़िट कर लूँ और आपको दिखा दूँ कि हाँ जामिया लाइब्रेरी ये स्टाफ रूम था। इस तरीके से मैं फिर से थर्ड फ्लोर पर एंट्री की, फिर मैं यहाँ से सेकंड फ्लोर पर गई और सेकंड फ्लोर पर जाते जाते मैं सच में थक गई थी क्योंकि मैं वहाँ से भी अपना TTI की तरफ से भी ऐसी है कि साइलेंस प्लीज़ लाइब्रेरी का रूल होता है। फिर यहाँ पर चलते हुए मैं आई थी सेकंड फ्लोर तो मैंने आपको दिखा दिया था। फिर यहाँ सेम इन्वायरमेंट है, सब कुछ सेम, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैंने देखा एक अच्छा लगा मुझे यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, पर्शियन एंड
उर्दू स्क्रिप्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब स्पेशली किसी चीज़ के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए होता है, हर सेक्शन अलग है बिल्कुल। आप पर्शियन के लिए भी देखिए, उर्दू के लिए देखिए, हिंदी के लिए देखिए, और ख़ासकर उर्दू और पर्शियन के लिए। तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा सारे सेटअप्स हैं, बुक्स हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप पर्सनली आकर देखेंगे विज़िट पे, हर तरह की बुक्स आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे अपना, तो मैंने पीछे बैक साइड से मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे वीडियोज़ में आना पसंद नहीं करते हैं, तो सो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं चाहती थी कि उनसे बातें करूँ, वीडियो में कवर करूँ, बट फिर मैंने सोचा ये लाइब्रेरी है, फिर अंकल वहाँ पर बैठे हुए, क्या बोलेंगे क्या नहीं, तो इस तरीके से मैंने आपके लिए कवर किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगी। मैं बहुत मेहनत से सारी चीज़ें बनाती हूँ, कवर की हूँ, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें फ्रेंड्स प्लीज़, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और फिर मैं यहाँ से ऊपर का व्यू ले रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए सोलर सेल जो होते हैं वो सारे लगे हुए हैं, जो हमारे गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम रिन्यूएबल चीज़ों को इस्तेमाल करें, जैसे सोलर सेल्स हो गए, ठीक है, बायोगैस वगैरह। और ये देखिए, मैंने सोचा क्यों ना खुद को भी कवर कर लूँ इस वीडियो में, मैं इसको भी लाइट ज़्यादा कभी लाइट कम, सो इस तरीके से मैं नीचे की तरफ आई। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मुझे यहाँ पर मैगजीन्स के बुक्स देखे, और बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से बुक्स हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, और जो चेतन भगत उनकी बुक थी यहाँ पर, तो मैंने कुछ बुक्स को कवर कर लिया इस तरीके से, ताकि अगर आइंदा आप कभी लाइब्रेरी आएँ तो ज़रूर ही पूरे विज़िट करें और देखें सारी बुक्स को, ठीक है। और नॉवेल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, आप ईज़िली विज़िट कीजिए और ज़रूर देखिए जामिया का लाइब्रेरी। देखिए नहीं, सिर्फ आकर पढ़िए अगर स्टूडेंट हैं तो, और अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो मेरे वीडियो को देखे, और उससे ही आप चीज़ें, आपको फील अच्छा होगा कि हाँ, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि फिर मैं यहाँ से एग्जिट में आती हूँ और बाहर की तरफ आती हूँ। और मैंने यहाँ पे भी कवर कर लिए सारे बाहर के व्यूज़ आते ही ऊपर से, जो मुझे बहुत प्यारा लगा। और इस तरीके से मैं अपना बैग वापस लेती हूँ अंकल से, और मैं बाहर निकलती हूँ। बाहर निकलने के बाद से, और मैं ये मस्जिद के जो 7 नंबर गेट है, जो ऊपर पूरे बाहर की ये बिल्डिंग है लाइब्रेरी की, और फिर ये जो गेट है सामने जो मस्जिद है, इधर की तरफ मैं जाती हूँ, ताकि मैं रीडिंग हॉल की तरफ जा सकूँ। और यहाँ पर ये देखिए बच्चे आ रहे थे, तो सब अच्छे बहुत सीरियस होते हैं पढ़ने के लिए, तो अगर आप सीरियस हैं और अच्छे कैंडिडेट्स हैं तो जामिया के लिए ट्राई करें। अच्छा यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलेंगे अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो, और अगर नहीं हैं तो कोशिश करें बन जाए जामिया के स्टूडेंट। और इस तरीके से मैं यहाँ पर देखिए मैं जाती हूँ सेंट्रल लाइब्रेरी, और ये यहाँ पर फोटोकॉपी का शॉप है, और यहाँ पे बहुत बहुत कम पैसों में भी आप इजीली फोटोकॉपी करा सकते हो, क्योंकि ये बहुत कम पैसे लेते हैं फोटोकॉपी के लिए। ये है जामिया का रीडिंग हॉल, जहाँ पे मैं हमेशा आती थी, बट सेंट्रल लाइब्रेरी के मेन जो लाइब्रेरी है, जो जाकिर हुसैन की लाइब्रेरी, में वहाँ कभी नहीं जाती थी। और यहाँ देखिए बच्चे आराम से ईजिली पढ़ रहे थे रीडिंग हॉल, रीडिंग हॉल में बातें भी हो जाती हैं, हम जानते हैं सीरियस को सीरियसली उधर जाके पढ़ना चाहिए। और इस तरह से मैंने व्यूज़ लिया, और आपको कैसा लगा हमारी लाइब्रेरी, आप प्लीज़ बताए गए कमेंट्स कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये सारे इस तरह से बच्चे पढ़ रहे थे, और मैं डिस्टर्ब नहीं की, फिर मैं वापस बाहर आ गई। और ये देखिए मैं अब जा रही हूँ 7 नंबर गेट से बाहर, और ये बाहर की तरफ का व्यू है। और मैं बहुत सारे लाइब्रेरी हैं 7 नंबर गेट में, और भी लाइब्रेरी है, मैं आपको और भी दिखाऊंगी जामिया में कभी इंशाल्लाह ताला। फिर मैं देखिए मैं यहाँ पे जाती हूँ प्रॉक्टर ऑफिस, और यहाँ पे जामिया में कुछ ना कुछ काम चलते ही रहता है, प्रॉक्टर ऑफिस में गई वहाँ, यहाँ से मैं एंट्री करती हूँ प्रॉक्टर ऑफिस में। और मुझे फिर यहाँ पे गार्ड अंकल होते हैं, गार्ड अंकल मैं थोड़ी वहाँ पर क्लियरेंस होता है, उन्होंने बताया, फिर मैं वहाँ पर हो गया अपना फॉर्म क्लियरेंस कराई। और मेरी आई कार्ड रखी है, कवर नहीं आना था हमारे कैमरा में, इस वजह से मैं यहाँ पर गई फिर वापस आ गई फ्रेंड्स। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू, और प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगी। यहाँ पर मैं क्लियरेंस कराना था, ये कोई और स्टूडेंट करा रहे थे मुझे, और बाय, टेक केयर।